with MCQ 1K questions. The first question that you have doubt is in question number 3. Okay. MCQ 1 का question number 3 क्या है? Which of the following statement is false? Every fraction is a rational number. Every rational number is a fraction. Every integer is a rational number. And all of the above. अब every integer तो rational number होता ही है. ठीक है? वो सच statement है. ठीक है? अब दूसरा statement इसने बोला है. First statement बोल रहा है every fraction is a rational number. हर fraction जो है वो एक rational number है. Okay, every sir, fraction is a rational number. वो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Sir, is coming echo. Echo आ रही है मेरी आवाज ना? Yes sir. देखो, मैं बताता हूँ. Every fraction is a रेशनल नंबर मतलब हर जो फ्रैक्शन है वो एक रेशनल नंबर होगा ही होगा है ना और एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन अच्छा हर रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन की तरह डिनोट हो सकता है और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एवरी इंटीजर इज रेशनल थर्ड वाला मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ए ऑप्शन सही है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर उसके पीछे क्या रीजन है कि मान लो 2/5 3/7 फ्रैक्शन है तो वो रेशनल भी होगा ही होगा फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है फ्रैक्शन मतलब ए बाई बी का फॉर्म जहाँ ए और बी नेचुरल नंबर्स है अब सिमिलरली रेशनल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ जो -2/5 है तो ये फ्रैक्शन नहीं है क्यों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर्स नहीं है सो एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल बट एवरी रेशनल इज नॉट फ्रैक्शन नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द सेवंथ क्वेश्चन अच्छा सेवंथ क्वेश्चन तो हमने क्लास में ही मैंने आपको करवाया था सेवंथ टाइप का क्या लिखा हुआ है 0.358 के ऊपर बार लिखा हुआ है तो 0.358 के ऊपर बार है ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x is equals to 0.3 times 58 58 58 and goes on 10x कितना हो जाएगा 3.58 58 and bar goes on next 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x सॉरी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बनेगा 358.58 58 सबट्रैक्ट कर देंगे इस दोनों इक्वेशंस को कितना आ जाएगा 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा 990x इक्वल्स टू 355x आ जाएगा 355/990 सो प्लीज नोट दिस डाउन सेवेंथ का आपका सी आ जाएगा ठीक है ना यू क्लियर यस सर एट से देख लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अब देखो जब भी हमें कंपेयर करना है नंबर्स के बीच में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होगा सो व्हेनेवर कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड व्हाट डू आई डू इन दिस केस हमेशा मैं डिनोमिनेटर सबके इक्वल कर देता हूँ ठीक है एलसीएम लेके एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो 5/7 नेक्स्ट 7/9 नंबर्स फिक्स है आगे पीछे होंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है 9/11 11/13 यस अब एक मेथड मैंने और भी बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन बड़े का आएगा वही वो फ्रैक्शन का भी आएगा सो फॉर एग्जांपल मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 9 5 45 10 7 7 49 तो बड़ा कौन सा है ये सो ऑब्वियसली 7/9 विल बी लार्जर इज इट क्लियर जब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था रेशनल नंबर्स के बीच में तब मैंने आपको 2 से 3 मेथड्स बताई थी याद है आपको यस सर यस इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा दिस इज द लार्जेस्ट ये बड़ा है फिर इन दोनों में अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो 77 और 81 आता है यस बेटा सर वी कैन डायरेक्टली माइनस 1000 एक्स माइनस एक्स वी कैन अच्छा इन दिस क्वेश्चन यू आर टेलिंग मी दिस वाला ये वाला क्वेश्चन ये वाले में सी बेटा इन दिस क्वेश्चन इफ आई डू इट लाइक दिस 1000x is 358.58 and it goes on और x कितना आ जाएगा 0.358 अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ना तो 8 के नीचे 5 है 5 के नीचे 8 है 8 के नीचे 5 5 के नीचे 8 है तो सब्ट्रैक्शन जब मैं करूँगा तो गड़बड़ 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 ही आ रही है देखो यहाँ 3 फिर ये 15 का कैरी कटेगा ये 7 होगा तो ये प्रॉब्लम हो रही है इट्स अ प्रॉब्लम टू मी
मैं क्या करता हूँ कभी भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए, जो रिपीटिंग पार्ट है ना, रिपीटिंग पार्ट वो पूरी तरीके से कैंसल आउट हो जाए ऐसी कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ था 1000 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 358.585858। तो मैंने सबट्रैक्ट किससे किया पता है आपको, 10x से किया। क्यों 10x क्या लिखा हुआ देखो, 3.585858। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो हर 8 के साथ ही कटेगा, हर 5 के साथ तो 0000 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 355, सही है। समझ आया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना? Yes, yes. इसलिए मैं मेथड कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि मेरा जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। बेटा ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ आप, चलो अब ये वाले क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, पहले 8th वाला देख लेते हैं। अब अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ देखो, तो फिर से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 9 × 11 = 117 और ये 121 आ गया, है ना। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ऑर्डर तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 5/7 जो है वो 7/9 से छोटा होगा, वो 9/11 से छोटा होगा, और वो 11/13 से छोटा होगा। ओके ना, यस ओके। चलिए तो अब आपका ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर दिया कंप्लीट, तो थर्ड हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ भी हो गया ना। अब 19th वाला देख लेते हैं, 19th। अच्छा 19 से पहले हाजरा है आजमी के 11th क्वेश्चन को एक बार मैं डिस्कस करूं फिर से, मैं 11th क्वेश्चन भी एक बार हाजरा डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आप 1.34 बार प्लस 4.12 का बार इज, ठीक है, तो 1.34 का बार प्लस 4.12 का बार, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर जो वीडियोस हम ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको मैं आपको सेंड कर दूं वीडियो का लिंक, तो आप लोग देखोगे आपको फायदा होगा उस चीज से? यस सर बहुत होगा। यस सर ठीक है, तो एक काम करना, यस सर, है ना, ठीक है। तो मैं अपलोड करके आपको, जैसे मैंने एक सेशन रिकॉर्डेड आपको सेंड किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, इफ यू रिमेम्बर। Yes, sir. तो मैंने सारे सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, सारे के सारे I'll upload, ठीक है, and I'll send you the link as well. ओके, तो आप वापस एक बार जाके रिकॉल करके देख सकते हैं। चलो अब 1.34 बार को हम कैसे करेंगे, मान लो ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं x को ले लेता हूँ 1.34, अगेन 34, अगेन 34, and it goes on. फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x कितना आएगा, 134.34, 34, 34, 34, और ये x कितना था, 1.34, 34, और 34, सबट्रैक्ट कर लिया मैंने दोनों को, कितना आ गया 99x, कितना आ गया 133 आ गया ना, x कितना आ गया 133/99 आ गया, सही है? Yes, sir. सही है ना।
ये एक चीज मैंने सिंपलीफाई किया। अब 4.12 बार है तो उसको x लेके सॉल्व करते हैं। 4.12 के ऊपर बार है 2, 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
41. So why we didn't take 100x directly? What actually we are doing, beta? You can take 100 also. But हमारा task क्या है? पहले repeating एक बार part आ जाए, फिर वापस से repeating part आए, तो दो बार repeating part को हम subtract करेंगे, तो repeating part पूरा कट जाएगा ना? Okay sir. एक ही बार repeating part आए. हम चाहते हैं दो बार repeating part आए, और दोनों बार अगर repeating part आ जाता है, तो फिर हम उसको मतलब दोनों को cancel out कर सकते हैं. ठीक है? So what I'll do is again now write it 100x is equals to 412.2222 it goes on. अब दोनों का subtraction. Sir, I thought that the bar is on both 1 and 2. That's why my answer is coming wrong. Okay, ठीक है ना? तो अब आप कर लोगे इसको? Yes, sir. ठीक है? Okay. So we'll go with the next question now. Next question हम ले लेते हैं 19, 26, 36 and 37. 19 पहले ले लेते हैं. 19th question क्या है बताओ? Which of the following rational number is in the standard form? बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा रेशनल नंबर है हमें देखना है. तो ए जो है मेरा ए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर. माइनस 36 है. नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? p upon q where p and q are co-prime integers. एक चीज का इसका ध्यान रखते हैं. दूसरा चीज का क्या ध्यान रखते हैं पता है? जो हमारा सब्सट्रैक्शन, जो हमारा नेगेटिव का साइन है, यस, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए. डिनोमिनेटर वी ऑलवेज मेक पॉजिटिव. डिनोमिनेटर हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं. पॉजिटिव. अगर 8 अपॉन माइनस 36 है तो इसको हमें माइनस 8 बाई 36 में होना चाहिए, और जो कॉमन फैक्टर है वो भी अंदर नहीं होना चाहिए. सही है ना? यस. ठीक है. तो अब लेकिन 19 का जो है आपका, ठीक है, तो उसमें बी और सी दोनों करेक्ट आंसर्स है. यस सर. बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, तो बी और सी दोनों करेक्ट होगा 19th वाले के लिए. ठीक है, तो 26 सब देख लेंगे. ठीक है, तो आपके आंसर की मैं आप थोड़ा करेक्शन कर लें. 19th का दोनों सही होगा. 26 देख लेते हैं. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. भाई ए भी बिल्कुल सच बोल रहा है. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. नहीं, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया. Yes, sir. 26 में A statement क्या बोला उसने देखो. Every whole number is a natural number. No. Every natural number is a whole number. मैंने आपको बताया था natural number एक छोटा basket है. Whole number है बड़ा basket. Zero भी आ जाएगा natural के अलावा. ठीक है ना? So A statement is false. And B statement is saying भाई zero is not a natural number. Then which of the following statement is true? So yes, B is true. And it is also the correct explanation of A. ठीक है, बी, ये जो आर स्टेटमेंट लिखा है आपके लिए, आर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जीरो एक नेचुरल नंबर है. जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. 26 भी आपका हमने क्लियर कर दिया. बट सर इन आंसर की दिस आंसर इज नॉट गिवन. अच्छा, इन आंसर की व्हाट द आंसर इज गिवन? A. तो वो गलत होगा ना. A you will correct it to B. ठीक है, B में करेक्ट कर लेंगे. We know that every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. Okay, so 26th is also done. You can change the answer key. ठीक है, answer key में changes कर लें आप. 36 और 37 ले लेते हैं अभी. 36 और 37. 36 और 37 ले लेंगे. So 36 and 37 is there for the first MCQ. 36 क्या बोल रहा है आपको? 2 minus 11 by 29 plus 5 by 26. So what we do is first we take the LCM. सही है? 2 minus 11 by 29 plus 5 by 26. उसका LCM yes. क्या हो जाएगा? 29 और 26 LCM हो जाएगा. ठीक है? अब 29 into 26 LCM होगा तो 2 into 29 into 26 minus 11 into 26 plus 5 into 29. Simplify कर लो, multiply करके, subtract करके, क्या आ रहा है बताइए आप मुझे? Sir, 1367 upon 754. One, correct. Three.
1367 देखो एक बार पहले ये चेक कर लेते हैं 1508 आ रहा है माइनस 286 इसका आ जाएगा 216 into 26 216 into 11 plus 26 तो 286 और ये 29 into 5 आ जाएगा 145 यही आ रहा है ये सर और नीचे आ रहा है 754 आपका ना ओके तो 1508 माइनस 286 प्लस 145 इज 1367 यस अपॉन 754 सही है यस 1367 अपॉन 754 है ना 754 आपके पास आ रहा है अच्छा अब इनमें से कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या नो सर सी दोनों में 2 से तो नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा बिकॉज़ फॉर 3 सम शुड बी डिविजिबल बाय 3 5 भी नहीं वर्कआउट करेगा 7 वर्कआउट कर रहा है क्या 7 भी वर्कआउट नहीं कर रहा है नो सर 8 भी नहीं करेगा 9 भी नहीं करेगा 10 भी नहीं करेगा 11 कर रहा है क्या नो सर ऊपर वाले में तो कर रहा है नीचे वाले में नहीं कर रहा है ना यस फिर 11 नहीं कर रहा 13 कर रहा है क्या नहीं कर रहा 17 कर रहा है क्या अच्छा नीचे वाले के फैक्टर्स तो मुझे ऑलरेडी पता है वेट 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 फॉर अ सेकंड 29 2 into 13 है ना तो बस न्यूमरेटर को चेक कर लेता हूँ इनमें से कुछ सेटिस्फाई कर रहा है क्या तो लेट मी ट्राई क्या न्यूमरेटर 29 से डिविजिबल है चेक कर लो 1367 क्या 29 से डिविजिबल है नहीं है 1367 क्या आपका 13 से डिविजिबल है नहीं है no, तो ठीक है ये आपका फाइनल आंसर रहेगा बट सर आंसर की में ये नहीं दिया ऑप्शंस ही नहीं मैच कर रहा है यस है ना तो एक्चुअली नीचे डिनोमिनेटर में कुछ और होना चाहिए था ओके सो दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग यस बेटा सर आपने इसको इतना फास्ट कैसे मल्टीप्लाई किया किसको मल्टीप्लाई किया फास्ट ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 26 2 मल्टीप्लाई बाय 29 इनटू 26 यस देखो मैं क्या करता हूं जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 इनटू 29 इनटू 26 तो फर्स्ट स्टेप दैट आई डू इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ये इज नॉट क्लियर मेरा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है नहीं सर बराबर है देखो 2 इनटू 26 पहले मैं प्रेफर करता हूं तो 52 इनटू 29 हो गया सही है अब 52 into 29 हो गया तो 52 into 29 कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि 52 into 30 minus 1 कर दूँ मतलब 52 का पहले 30 times multiplication कर लूँ और फिर 52 subtract कर लूँ अब 52 का 30 times अगर करूँगा तो 1560 बनेगा आपके पास 52 को 3 times करना है और 52 घटाना है तो 1508 आपका आ जाएगा सही है yes, sir. और सिमिलरली दूसरा मैं क्या करता हूँ देखो जब 5 इंटू 29 मुझे करना होता है तो इंटू 2 बाई 2 करता हूँ मतलब 290 5 इंटू 2 क्या होगा 10 10 इंटू 29 हो जाएगा 290 290 का हाफ कितना होगा 145 वो लिख दिया फिर सेम 11 इंटू 26 अगर मुझे करना है तो 26 इंटू 11 क्या हो जाएगा 260 ठीक है और 260 प्लस 26 हो जाएगा 260 छोटी छोटी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को आसान करने के लिए चले आगे Yes, yes. तो 36 आएगा समझ कर लिया हाँ ठीक है आंसर की में चेंज कर लिया दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू आर गेटिंग देन वी विल गो विद 37 द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -7/5 सो दैट इज सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3 तो मतलब एक अगर सम दो का -3 है मतलब अगर एक x लेता हूं तो दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा जो मेरा सम -3 दे दे -7/5 Sum of two rational numbers is -3 and one of them is -7/5
मैं बोलता हूँ एक एक्स है, दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है माइनस सेवन बाई फाइव दिया हुआ है, माइनस सेवन बाई फाइव में तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री प्लस सेवन बाई फाइव, तो माइनस ऑफ फिफ्टीन प्लस सेवन बाई फाइव हो जाएगा माइनस ऑफ एट बाई फाइव, सही है? यस सर। आपका ए आंसर आ जाएगा 37 का, तो आंसर की मैं आएगा बी दिया है ना, इसीलिए डाउट हो रहा था आपको। यस सर। तो उसको भी आप ए कर ले। ओके, तो कॉन्सेप्चुअली आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट आप सही लगा पा रहे हैं। ठीक है, एक दो आंसर की में जो करेक्शन है ड्यू टू दैट। ओके, एमसीक्यू 2 में 5950 ओके, अब एमसीक्यू 2 देख लेते हैं। एमसीक्यू 2 में 5 देख लेते हैं, 5 क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो 5 में फर्स्ट क्या है, रूट 2 का स्क्वायर है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है या आपने पढ़ी है, कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ a इज नथिंग बट a रेज्ड टू हाफ, ये पढ़ा है क्या आपने? नो सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं, इफ यू हैव नॉट स्टडीड। होता क्या है, मान लो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए, उसको हम बोलते हैं ए की पावर 1/3। ठीक है, अगर दिया हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ ए, उसको मैं लिखता हूँ ए की पावर 1/5। जो रूट है ना वो पावर रेसिप्रोकल में हो जाता है 1/1 में। तो सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख सकते हैं 2^2, और बाहर 2 है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है a^m^n इज a^m(n), ये पढ़ी है आपने? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 2^2, सो योर आंसर इज 2। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका, ए आपका जो ऑप्शन है वो रेशनल है, बी जो है वो इरेशनल है। अब इरेशनल एक्चुअली होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, इरेशनल के बारे में मैं आपको काफी ज्यादा अच्छे से ब्रीफिंग कर देता हूँ, व्हाट आर एक्चुअली इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बी इरेशनल है, सी इरेशनल है, और डी भी आपका इरेशनल है। डी कैसे इरेशनल बोलता हूँ, डी आप समझ पाओगे, देखो 2^2 लिखा है अपॉन 2 लिखा है, तो नेट क्या हो गया 2^2 हो गया 1/9। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको बताया 2^2 जो है, सी इफ यू सी दी ऑप्शन नंबर बी 2√2 लिखा है, सी ऑप्शन इज 2+√2, तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है जो हम अब पढ़ेंगे अगर इरेशनल नंबर्स, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जब रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल होता है, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, और इरेशनल ऑटोमेटिकली है ही, तो 1/irrational भी इरेशनल होता है। तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स के बारे में। सो फिफ्थ अगर आपको नहीं पता चला तो यू कैन वेट, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एक बार मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको, तो ये भी आप कर पाएंगे। सर एक्सप्लेन क्वेश्चन 6 आल्सो। हां 6 क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, 1^2^3^512 m के बराबर है। तो क्या लिखा है, 1^2^3^512 ये किसके बराबर है, m के बराबर है। सेकंड में लिखा है 2^2 प्लस 4^2 प्लस 6^2 प्लस 1024^2। सो इफ यू ऑब्जर्व 2^2 एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, 1^2 × 2^2 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 4 को स्क्वायर जो लिखा है मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 2^2 में, व्हिच इज 2^2 × 2^2। यस, देखो ए बी रेज टू एम क्या होता है हमारे पास, हमेशा ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम, सही है? तो ये क्या हो जाएगा 2^2 × 2^2, ये क्या हो जाएगा 2^2 × 3^2 अप टू 2^2 × 512^2। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैंने क्या कर दिया, सब में से 2^2 एक बाहर कॉमन निकाल लिया, 2^2 कॉमन निकाला, बचा क्या 1^2 + 2^2 + 512^2। इज इट क्लियर? इसका उल्टा अभी हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं एडिशन के ओवर में, दिस गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस, देन दिस गेट्स मल्टीप्लाइड टू दिस, देन दिस ओनली गेट्स मल्टीप्लाइड टू फर्दर ऑन टर्म्स। ठीक है, तो वही हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ अगर ऐसे लिखा है 2 × 3 + 2 × 4 + 2 × 5, ये कब होगा, जब सब में से अगर एक बार 2 कॉमन बाहर निकाल लो तो बचेगा 3 + 4 + 5। यस यस सर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस आपको पता चलने चाहिए एक्चुअली हुआ क्या है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ओवर एडिशन हुआ. अब मुझे एक चीज बताओ, यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू m. दिया हुआ क्वेश्चन में आपके पास 2 स्क्वायर इनटू m, तो ये कितना लिखा हुआ है 4 ऑफ m. 4 m बॉम्बे. अरे यार, सो प्लीज नोट दिस डाउन. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे फिर हम आगे चलते हैं. यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस सर. अच्छा, आपने मुझे बोला हुआ है 6 करने के लिए, उसके बाद आपने मुझे कौन सा क्वेश्चन दिया करने को? 9 और 15. नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए लेट्स गो विद द नाइन्थ क्वेश्चन नाउ. नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ mn एंड r इंटीजर्स एंड रूट ऑफ mn इज 10, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ m प्लस n. अच्छा, अंडर रूट ऑफ mn जो है मेरे पास वो 10 है, तो m प्लस n का वैल्यू क्या नहीं होगा आपको ये बताना. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है. ये एक्चुअली ऐसा बोल रहा है, दो नंबर्स आप ऐसे चूज करिए जिसका प्रोडक्ट आपको 10 मिले और उसका रूट. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ mn इज 10, m प्लस n मेरे पास क्या नहीं हो सकता. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, रूट ऑफ mn 10 के बराबर है, मतलब m और n का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा, व्हाट आई डू इज आई स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करता हूँ. 10 रेज़ टू हाफ, 10 स्क्वायर हो जाएगा बेटा. देखो, रूट ऑफ mn मतलब mn की पावर हाफ लिखा हुआ है वो 10 है, फिर स्क्वायरिंग कर दिया. yes. mn की पावर हाफ का पावर 2 इज इक्वल टू 10 का पावर 2, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया. यस सर. तो यहां से क्या आ जाएगा, mn इज इक्वल टू 100. तो वो कब कब हो सकता है, जब m का वैल्यू 10 हो जाए, n का वैल्यू 10 हो जाए, है ना. नेक्स्ट ये कब हो सकता है, जब m का वैल्यू 100 हो जाए, n का वैल्यू 1 हो जाए, ये भी हो सकता है ना. फिर ये और कब हो सकता है, जब m का वैल्यू 25 हो, n का वैल्यू 4 हो, और कब कब हो सकता है बताओ आप. 50 एंड 2. बहुत अच्छे, n का वैल्यू 50 हो जाए और 2 हो जाए. कैसे मैं ये सब सोच रहा हूँ बताएं आपको. देखो, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इनटू 5 का स्क्वायर, 20 एंड 5, है ना. अच्छा, और किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 एंड 5. यस, वेरी गुड, 20 एंड 5, 25 एंड 4. यस बेटा, बिल्कुल सही है, है ना. अब मुझे एक चीज बताओ, ये m आ गया और ये n आ गया आपके पास, तो m प्लस n क्या क्या बन सकता है बताओ. 20 बन सकता है, 101 बन सकता है, 29 बन सकता है, 52 बन सकता है, 25. अब आपके पास ऑप्शंस है, 25 बन सकता है, यस, 52, यस, 101, यस, 50, नो, इट कैन नेवर बी 50, क्लियर. तो नाइन्थ वाला आपने मुझे बता दिया. 15th, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 15th देख लेंगे हम, इसको नोट डाउन कर लो आप. In what is the sum of two numbers whose difference is 45 and the quotient of the greater number by the lesser number is 4? Achha. So, bola kya hua hai? What is the sum of two numbers? Un do numbers ka hume sum bataiye. Theek hai? Whose difference is 45? So, agar ek x hai, to dusra kya hai? Why? Main bol sakta hu x minus 45 hai. Kyun? Un dono ka difference kya hai? 45 aa jayega. मतलब yes. एक नंबर मान लो 50 है तो दूसरा 5 है, ऑब्वियसली, तो 45 कम है उससे, है ना. एंड द क्वोशेंट ऑफ द ग्रेटर नंबर बाय द लेसर नंबर इज 4, मतलब बड़े बाई छोटा अगर मैं करता हूँ तो बड़ा क्या होगा, ऑब्वियसली x बड़ा होगा, छोटे से डिवाइड करता हूँ तो क्वोशेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा.